Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. मुझे बहुत हैरानी हो रही है जिम, तुमने इतने बड़े मिशन की जिम्मेदारी खुद ही ले ली थी, वो भी सिर्फ एक किताब को हासिल करने के लिए। इस किताब में हजारों साल पुराने नुस्खे थे अमेरिकन्स के, और ये डॉक्टर लिविसी की अमानत है, मैं इसे किसी हाल में खो नहीं सकता था। और तुम्हें लगा कि इस किताब की मदद से तुम ज़ॉम्बीज को रोकने की तरकीब ढूंढ लोगे? हाँ, मैं आज भी सोचता हूँ कि हमने क्या क्या रिस्क लिए तो यकीन नहीं आता, ये सब बस एक ख्वाब लगता है। मुझे छुप कर सफर करना पड़ रहा था, लेकिन शैडो सारा वक्त मेरी तलाश में रहा, और मैं ब्लेड के ऑफिस में जा पहुंचा, यहां तक कि ब्लेड की ज़ॉम्बी आर्मी को भी देखा, और आखिरकार मैं कोडेक्स को हासिल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन एक बहुत बुरा सरप्राइज हमारे इंतजार में था। दोबारा ऐसा मत करना। हे, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, ब्लेड किसी भी लम्हे यहाँ आ सकता है। जो जो आपकी खिदमत में हाजिर है छोटे कैप्टन। हम सबकी खुशकिस्मती है कि हम उनकी नजरों से ओझल हो गए, अब आगे देखिए क्या होता है। हमें इसी वक्त वेराक्रूज के लिए निकलना होगा। वेराक्रूज? लेकिन स्पेनिश एग्रीमेंट में सब साफ लिखा है। मुझे नहीं लगता कि हमें वॉइसराय को जाकर डिस्टर्ब करना चाहिए। मैं उसे एक नई तब्दीली के बारे में बताना चाहता हूँ, और हमें इस पे जल्दी काम करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। अगर ये वाकई इतना जरूरी है तो मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन वो तब्दीली क्या है? वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा। बंदरगाह पे मिलता हूँ तुमसे। कमाल कर दिया लिन, देखना तुम सबसे अच्छी सेलर बनोगी एक दिन। डैड ये देखकर कितने खुश हो रहे होंगे। हे कैप्टन हॉकिंस, हमने वातावरण खोल दिए हैं, दूरबीन भी सेट कर दी है और हाई टॉप सेल भी। उससे फोर टॉप सेल कहते हैं, जैसे कि माउस। हाँ ठीक कहा, अब मुझे याद रहेगा। सब कुछ रेडी है, बिल्कुल जैसे कैप्टन ने कहा था। रफ्तार बढ़ानी होगी हमें, अगर ऐसे चलते रहे तो आसानी पकड़े जाएंगे। कुछ कश्तियाँ नजर आ रही हैं, हमारी ही तरफ बढ़ रही हैं। हमारी तरफ? लेकिन अचानक कैसे आ गए? लग रहा है हमला करने नहीं आए। ब्लेड के अलावा और कौन हो सकता है? थोड़ा फासला रखो और खामोशी से चलते रहो। हे जिम, देखो कौन है। इन जहाजों पर जॉली रॉजर का झंडा है, ये सब पायरेट्स हैं। पायरेट्स? ये कहाँ से आ गए? माय लॉर्ड, सैंडियागो डी क्यूबा से खबर आई है, 20 पायरेट्स कश्तियां पासो डी लॉस से आती हुई नजर आई हैं। 20 कश्तियां? क्या हम उन पायरेट्स को कैसे रोकेंगे? योर एक्सीलेंस, इस तरह बगैर इजाजत आने पर माजरत, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा। 200 से ज्यादा पायरेट्स की कश्तियां यहां पर आ चुकी हैं, और ये सब कुछ उस वक्त से हो रहा है जब से तुमने टॉर्टुगा पर हमला करके पायरेट्स को मारा। हाँ, टॉर्टुगा पे हमला करना बहुत जरूरी था, लेकिन पायरेट्स सिर्फ एक हमले से खत्म नहीं हो सकते थे। योर एक्सीलेंस, दरअसल हमें भी इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या कहोगे? 100 कीड़े मारो तो 1000 और निकल आते, अब और तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है बताओ मुझे। ये पायरेट्स किसी भी मुल्क से आ सकते हैं। ये वही पायरेट्स हैं जिन्हें कई साल पहले मैंने मार गिराया था, और ये अपने साथियों का बदला लेने आए हैं। तो मतलब ये हुआ कि टॉर्टुगा पर हमला करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इससे हमारी मुसीबत बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, यही वक्त है साथ मिलकर काम करने का।
पायलट्स भी जानते हैं कि अगर उन्होंने मिलकर काम ना किया तो वो तबाह हो जाएंगे। चाहे वो जहां भी हो, वो हमें रोकना चाहते हैं। लेकिन आज के बाद इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। यही वक्त है कि खुलकर पायलट्स का सामना करना चाहिए ताकि वो दोबारा यहाँ ना आ सके। और यही वक्त है हम पांचों रियासतों को मिलकर काम करना होगा, कानून बनाना होगा। हम पांचों को मिलकर उनका खात्मा करना होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सब मिलकर दुनिया के हर पायलट का मुकाबला करेंगे ताकि अमन कायम हो। तभी हमारा मिशन पूरा होगा। वो रहेंगे या हम। बिल्कुल सही कहा तुमने, या तो वो रहेंगे या फिर हम। जेंटलमैन, वक्त आ चुका है, पायलट्स को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जितना जल्दी हो सके पोर्टो रिको, कार्टेजिना और हवाना के गवर्नर को आगाह करो, पूरी सिचुएशन समझाओ उन्हें, और उनसे कहो कि अपने बहरी जहाज और आर्मी को तैयार रखें। योर एक्सीलेंसी, मुझे लगता है आपको फ्रेंच फोर्सेस को भी शामिल करना चाहिए। आपके ब्रिटेन से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। सही कहा। उन्हें इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक मैं पोर्चुगीज और ब्राजील के गवर्नर को ये पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मेरे मुल्क के लोग इसमें आपके साथ हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है। पांच रियासतें मिलकर दुनिया में बुराई के खिलाफ लड़ेंगी। और यही नहीं, इस लड़ाई में जो बहादुरी से लड़ेगा उसका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि ये सब पायलट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सब कहीं और से आए हैं। और इनके कलर्स भी डिफरेंट हैं। देखो कैप्टन के कमरे से क्या मिला। इससे लगेगा कि पायलट्स हैं हम लोग भी, और हम जीत के आए हैं। हमें ये झंडा फौरन लगाना होगा। आज बेन बहुत खुश है, हमारी फैमिली में और लोग भी शामिल होने वाले हैं। सही कहा बेन, लेकिन उनसे मिलकर ही पता चलेगा। सुनो बच्चों, पता नहीं मैं इन्हें जानता भी हूँ या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि वो इंडियन शिप है। और वो जो सामने है वो मलेशियन है। मलेशियंस? ये मलेशियंस कहाँ से आते हैं? मलेशिया से आते हैं, इंडिया से करीब ही है ये मुल्क। ओह, वो देखो जी, उनके पास बिल्कुल वैसा ही जहाज है जैसा हमारा अल्बेट्रॉस था। ये तो मुझे अरब्स लगते हैं। और ये दूसरे, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? लॉन्ग जॉन तुर्किश है। ये शिप्स कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हे, इन लोगों को देखो, इनके तो टैटूज भी बने हुए हैं। ये कहाँ से आए हैं? ये पैसिफिक आइलैंड से हैं। और जरा वो शिप तो देखिए, कितनी खूबसूरत है और देखने में भी डिफरेंट लग रही है। यस, ये चाइनीज शिप है। लग तो सभी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बात ये है कि ये सब यहाँ करने क्या आए हैं? Respected pirates, आप सबको हमारी तरफ से खुश आमदीद। हम भी पायरेट्स हैं, हमारे शिप को तबाह कर दिया गया। वेराक्रूज में हमें कैद किया गया था, लेकिन हम वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। मेरा नाम है कैप्टन जिम हॉकिंस, और ये है मेरे साथी द फेमस लॉन्ग जॉन सिल्वर। आप दोस्तों को खुश आमदीद, लेकिन मुझे आप हमारी तरह के पायरेट्स नहीं लगते। आप लोग मुझे बस छोटे मोटे चोर लगते हैं जिसने ये शिप लूटा। हम लोग कोई छोटे मोटे चोर नहीं हैं। हम सब ने मिलकर टॉर्टुगा पर होने वाले हमले में हिस्सा लिया और जमैका के गवर्नर के खिलाफ लड़ाई की, जो है लॉर्ड ब्लेड। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा कैप्टन जिम हॉकिंस, मैं आप सबको सबसे बड़ी चोरी के जश्न के लिए इनवाइट करना चाहूंगा। क्या हुआ? नहीं मालूम, बहुत से शिप यहाँ से सोना लेकर गुजरेंगे। सोना लेके? तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी सोने की तिजारत हो रही है। वो शिप अमेरिका से होता हुआ यूरोप तक जाएगा, पायरेट से पाक समंदर से होता हुआ। खबर मिली है कि 200 के करीब शिप्स हैं,
जो ऊपर से नीचे तक सोने से भरे हुए हैं। उसमें कीमती पत्थर भी हैं, रूबी, एमराल्ड, डायमंड। एक ऐसा खजाना जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यकीनन वो सेफ्टी के साथ ले जाया जाएगा। क्या आपने इतने पायरेट्स एक साथ देखे हैं? हम सब मिलकर लूट लेंगे वो खजाना। लॉन्ग जॉन, मुझे लगता है कि एक सोचा समझा ट्रैप है। जेम, हमें इनका साथ देना चाहिए, लेकिन हम होशियार भी रहेंगे। मैं बात करता हूँ। हम साथ हैं, बताएं आगे प्लान क्या है। बस हमें ये नहीं मालूम कि वो किस रास्ते से सफर करेंगे। आप लोग वेराक्रूज से भागे थे, क्या आप में से किसी को आइडिया है? बात ये है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। कैरिबियन सी से सोने के भरे शिप्स गुजर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमें क्यों नहीं पता? शायद आप कहीं और होंगे और ये इतनी बड़ी भी खबर नहीं। हाँ, आप तो जेल में थे ना? ये खबर बिल्कुल पक्की है, क्योंकि हमारे साथी इब्राहिम ने खुद अपनी आंखों से देखा। कुछ अरसा पहले मैं जेल में था और वो खजाना मैंने ही अनलोड किया था। इतना सोना मैंने कभी नहीं देखा। मानता हूँ आपने सोना देखा होगा, हो सकता है सिर्फ एक ही कंटेनर में। क्या सिर्फ एक में? नहीं, सोना सब में बराबर भरा हुआ था। तो आप वहाँ से भागने में कामयाब कैसे हो गए? बस बहुत हो गया, इब्राहिम हमारा पुराना साथी है, हमें उस पर पूरा यकीन है। ठीक है, मैं तो बस जानना चाह रहा था। हम इतने भी भोले नहीं हैं मिस्टर सिल्वर, हमने अपने जासूस भेजे हैं इस खबर की तस्दीक के लिए। मुझे लगता है कि हमें वेराक्रूज पर हमला कर देना चाहिए, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। सबको साथ नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। वो हम सबको मैक्सिको के समंदर में फंसा सकते हैं। उस जगह पर एक छोटा सवार भी हम सबको खत्म कर देगा। मेरे कैप्टन के खदशात दुरुस्त है। हमें हथियार जमा करने होंगे और किसी महफूज जगह पर जाना होगा, यानी कि टॉर्टुगा। वो तबाह हो चुका है, लेकिन हम उसे दोबारा बना सकते हैं। मैं तो ये कह रही थी कि टॉर्टुगा से ज्यादा सेफ जगह कोई हो नहीं सकती। मेरे लिए ये बात बहुत ही बायस फख्र होगी अगर मैं आपके साथ जाऊँ। तो इंतजार किस बात का है? सब लोग टॉर्टुगा चलो।